जय श्री गुरु महाराज जी की जय। कमली श्याम दे कमली, मैं कमली श्याम दे कमली, कमली श्याम दे कमली, मैं कमली श्याम दे कमली, कमली श्याम दे कमली, मैं कमली श्याम दे कमली। रूप सलोना देख श्याम का, सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। जिम कमली होई, जिम कमली होई, कमली होई, जिम कमली श्याम दे कमली, कमली श्याम दे कमली, मैं कमली श्याम दे कमली। सखीपन घट पर यमुना के तट पर, सखीपन घट पर यमुना के तट पर, लेकर पहुंची मटकी। सखीपन घट पर यमुना के तट पर, लेकर पहुंचे मटकी। भूल गई सब एक बार, जब छवि देखे नटखट की। भूल गई सब एक बार, जब छवि देखे नटखट की। देखत ही मैं हुई देखत ही मैं हुई बावरी, उसी रूप में खोई। देखत ही मैं हुई बावरी, उसी रूप में खोई। जिम कमली होई, जिम कमली होई, कमली होई, जिम कमली। श्याम दे कमली, कमली श्याम दे कमली, कदम के नीचे अखिया मीचे, खड़ा था नंद का लाला। कदम के नीचे अखिया मीचे, खड़ा था नंद का लाला। मुंह पर हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट गलमाला। मुख पर हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट गलमाला। तान रसीली तान सुरीली, मधुर नशीली, तन मन दिया भिगोई। तान सुरीली मधुर नशीली, तन मन दिया भिगोई। जिम कमली होई, जिम कमली होई, जिम कमली होई, जिम कमली होई। कमली श्याम दे कमली, कमली श्याम दे कमली, मैं कमली श्याम दे कमली। सास ननंद मोह पल पल कोसे, सास ननंद मोह पल पल कोसे, हर कोई देवे ताने। सास ननंद मोह पल पल कोसे, हर कोई देवे ताने। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर, ये कोई नहीं जाने। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर, ये कोई नहीं जाने। पूछे सब निर्दोष बावरी, तट पर काहे तू गई। पूछे
पूछे सब निर्दोष बावर, तट पर काहे तू गई जिमे कमली होई, जिमे कमली कमली होई। कमल श्याम दे कमली, मैं कमल श्याम दे कमली, रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई, रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हंसी विभूषित करान नवनीरदाबाद, पीतांबरात अरुण बिंब फलादरुष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमतीप्रदे, वसत्त्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदाभव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय, भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय, विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यंबरं धाम जगद्धाम नमामदद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे, अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं,
यत्कृपात्वमहम वंदे परमानंदनमाधवम् कृष्ण कन्हैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम श्रीमद् भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यम ब्रब्रजन्दमनुभेदमभेदकृत्यम् द्वैपायनो विरह कादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयदयातरभोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं निमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के एकादश स्कंद के अंतर्गत उस तत्व का दर्शन करें कि परमात्मा अत्र तत्र सर्वत्र कैसे व्याप्त है। हम ध्यान में रखेंगे कि आज हमारा द्वादश अध्याय जो है पूर्ण हो जाएगा और संभव होगा तो आज त्रयोदश अध्याय में हम प्रवेश कर लेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ हंस गीता है। तो द्वादश अध्याय का ये तंतु ठीक समझेंगे तो त्रयोदश अध्याय का तत्वार्थ समझ में आवेगा। इसलिए यहाँ पर जो भगवान अद्भुत तत्वज्ञान का दर्शन हमें करवा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जैसे खेत में बीज बो दिया जाता है या गिर जाता है तो बीज के मुताबिक ही उसमें से फिर वृक्ष होता है, पौधा होता है, फल मिलता है, पुष्प मिलता है। करेला का बीज बोएंगे तो उसमें से लौकी निकलने वाली नहीं है। कहते हैं आम का बीज बोया, आम का पौधा रोप दिया तो उसमें से फिर हमको चीकू मिलने वाला नहीं है। बरगद का पेड़ बोया और आम का फल मिलेगा, सेब मिलेगा, वो कभी होने वाला नहीं है। दूसरा उदाहरण दिया था कि जैसे ये जो कपड़े हैं हमने पहने हैं, ऊपर का वस्त्र नीचे का वस्त्र जो भी ले लीजिए, उस सब कपड़े में क्या है? सूत ही है। सूत के अतिरिक्त कपड़े में और कुछ नहीं है। ये सब कुछ सूत से ही बना है। कृपा करके भागवत के चतुश्लोकी भागवत के
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्लोक, विशेष करके चतुर्थ श्लोक का हम श्रवण करें और तृतीय श्लोक का। यथा महान्ते भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि, कितना सुंदर कहते हैं। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे सूत इस वस्त्रों में छिपा हुआ है, सूत नहीं होता तो वस्त्र होने वाला नहीं था। जैसे ये रुमाल है हमारे सामने, ये रुमाल किसका बना है? बोले धागों का, तंतु का। तंतु नहीं होते तो रुमाल होने वाला था? नहीं होने वाला था। रुमाल की कल्पना हम तंतु के कारण ही कर सकते हैं। ये संभव है कि तंतु हो पर रुमाल न हो, लेकिन क्या कभी यह संभव है रुमाल है पर तंतु नहीं है? असंभव है। बस यही है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक, एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तृतीय एवं चतुर्थ श्लोक, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये हो गया अन्वय व्यतिरेक, जो अभी रुमाल के उदाहरण से देखा। सूत है इसलिए रुमाल का अस्तित्व है, रुमाल और कुछ भी नहीं है, सूतों का एक ढेर ही है। उस ढेर को नाम दिया एवं रूप दिया। नाम क्या दिया? बोले रुमाल। रूप क्या दिया? बोले चौरस आकार का है। लेकिन है क्या? सूत ही है। सूत नहीं होता तो रुमाल होने वाला नहीं था। रुमाल होगा और सूत नहीं होगा ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इस सिद्धांत को हम मन में बिठाए, उसी तरह से इस समग्र संसार में अत्र तत्र सर्वत्र केवल ईश्वर ही व्याप्त है। ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी व्याप्त नहीं है। हमने ये जो कपड़े पहने, भाई ऊपर में स्वेटर पहना है, ये बोले कुर्ता है, नीचे धोती है, वो है क्या? बोले सूत ही है। सूत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सूत नहीं होता तो ये कपड़े होने वाले नहीं थे। चाहे गर्म कहो, सूती कहो, जो कहना वो आपकी तकलीफ है। उसी तरह से ईश्वर है इसलिए जगत है। ईश्वर नहीं होता तो जगत होने वाला नहीं था। और जगत है और ईश्वर नहीं है, वो कभी हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि इस जगत में अत्र तत्र सर्वत्र पूर्ण मात्रा में भरपूर क्या है? केवल ईश्वर ही है। इसलिए जो रंगदूत महाराज का कल अंत में हमने जो तंतु देखा था, नाना रूपे तू वसे नाना नामे एक, भक्त जनों ने कारणे धारे विद विद बेख, जनम्यू न हतु आकशु हतो त्यारे तुंज, रेशे न आहोय तू हो इस सच्चित पूंज। कितनी अद्भुत बात बता रहे हैं। नाना रूपे तू वसे नाना नामे एक, भिन्न भिन्न रूप में तुम ही है वो केवल। नाना अर्थात भिन्न भिन्न, नाना नामों में मानी भिन्न भिन्न नाम में भी तुम ही एक हो। भक्तों के कारण तुमने अनेक रूप धारण किए हैं। भागवत का चतुश्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। अहम से शुरू हुआ, अहम से पूर्ण हुआ। भगवान कहते हैं
इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब केवल मैं ही था। अहम एवा समेवाग्रे, अग्र में भी मैं पहले ही था, पहले मैं ही था। अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद सत ना, अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम, कुछ भी नहीं था तब सद या असत, इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, नासदीय सुक्त संगति मिला लीजिए। पश्चादहम यदे तच्च, जब कुछ नहीं रहेगा, पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्यते सोस्म्यहम, तब मैं ही रहूंगा। आदि में भी मैं ही था, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहने वाला हूं। तो जो आदि में है वही अंत में है, तो प्रतिफलित हुआ कि वही क्या है, मध्य में है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। नाना नामे नाना रूप में तुम ही हो, नाना रूपे तू बसे नाना नामे एक, भक्त जनों ने कारणे धारे विध विध भेख, भक्तों की भावना के कारण आपने भिन्न भिन्न भेख लिया है। कृपा करके इसलिए कल का तत्वार्थ थोड़ा श्रवण करें। जो हमने कल दर्शन किया था, ईश्वर का अवतार हुआ, वो क्या है, ये जगत बन गया, बस वो ईश्वर का अवतार है। ईश्वर का अवतार और कुछ नहीं है, जगत जो है वो ईश्वर का अवतार है। संगति लगाते जाइए, एक एक सिद्धांत की अद्भुत संगति लगेगी और तत्वार्थ में डूबे रहने की इच्छा होगी, वहां से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। रितेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। द्वितीय श्लोक चतुश्लोक के भागवत का तृतीय श्लोक, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। मेरे मैं ही इसमें प्रवेश किया हूँ, मैं ही इसका पालन करता हूँ, मैं ही इसका संहार करता हूँ, और अंत में बचा रहता केवल मैं ही हूँ। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, वेदांत का सिद्धांत अन्वय एवं व्यतिरेक, जो अभी हमने देखा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो बोले जैसे कपड़ा सूत में ही संपूर्ण रूप से ओतप्रोत है, कपड़े का ताना बाना सब कुछ सूत में ही है, सूत ही है, उसी प्रकार इस समग्र सृष्टि में संसार रूपी जो वृक्ष है, उस समग्र संसार रूपी वृक्ष, उसके ताने बाने में केवल ईश्वर ही है, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है, यह रंग भूमि विश्व धरा सब खेल में मेल में तू ही तू है। हम आप सब लोगों से एक नम्र निवेदन करेंगे, देखिए आप लोग विगत 234-35 जो भी दिन हम लोग भागवत का श्रवण कर रहे हैं, भागवत का प्रथम श्लोक जन्मादस्य यदोन्वय दिदरतश्चातश्व विज्ञस्वराट तेने ब्रह्मरिदाय अधिकवये मुह्यन्द यत्सूरयः तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहगं सत्यं वरं धीमहि। मिला लीजिए वो प्रथम श्लोक का प्रतिपाद्य विषय, हमने जो विस्तृत रूप से चर्चा की थी वही श्लोक प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक प्रकरण में, प्रत्येक चिंतन में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में, प्रत्येक अक्षर में वही भरा हुआ है वेदांत। क्या अद्भुत है ये, इसलिए कहा ये जो संसार रूपी वृक्ष में वही ईश्वर भरा हुआ है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जहां पे देखा जिधर पे देखा तुझ जैसा ना कोई ढूंढ निकाला,
जो कुछ है सो तू ही है। तो कहते हैं वह वृक्ष कैसा है, वह अति प्राचीन है। अब यहां पर थोड़ी संगति लगानी पड़ेगी, प्राचीन कैसे हैं, अति प्राचीन है मानी कुछ 5000 वर्ष पहले की बात है क्या? आज के जो उत्खननवादी जो लोग हैं जिन्होंने उत्खनन करके श्री कृष्ण की द्वारिके के बारे में अवशेष प्राप्त किया है और उन्होंने अपनी विद्या के अनुसार श्री कृष्ण का लगाया है तारीख वगैरह सब, कौन से साल पहले, बोले 5000 साल पहले हो गए, ईसा के 3000 वर्ष पूर्व ये था, जो भी वो उनका विषय है हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो बोले क्या 5000 वर्ष पूर्व ही सृष्टि थी केवल? बोले ना, इस सृष्टि तो अनंत काल से चली आ रही है। कृपा करके स्मरण कीजिए, इच वेव इज इन अ सर्क्यूलर फॉर्म, इच मोशन इज इन अ सर्क्यूलर फॉर्म। प्रत्येक गति क्या है? वर्तुलाकार गति है। सर्जन के बाद प्रलय, प्रलय के बाद पुनः सर्जन, सर्जन के बाद पुनः प्रलय। कितनी बार सत्ययुग आ चुका है, कितनी बार त्रेता आ चुका है, कितनी बार द्वापर आ चुका है, कितनी बार कलयुग आ चुका है। हमने काल की गणना की थी, कृपा करके इसका स्मरण कर लीजिए। 432,000 कलयुग के, उसके डबल द्वापर के, उससे ट्रिपल 3 गुना त्रेता के, उससे 4 गुना सतयुग के, विस्तृत रूप से हमने चिंतन किया था। इसलिए समझ के रखे कि ये सृष्टि कैसी है, अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलने वाली है। अब इसमें हमारा कहाँ कलयुग, कलयुग में कहाँ ये 2020 या 2021 जो गिनना है गिनोगे, कहाँ भारत परतंत्र हुआ, कहाँ 1000 साल की गुलामी, ये सब कहाँ जाएगा जब थोड़ा चिंतन करेंगे तो। कहीं कुछ गणना में नहीं बैठेगा, थोड़ा चिंतन करेंगे नहीं अद्भुत से मन उठ जाएगा। हम सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं। इसलिए जितने भी महापुरुष प्रकट हुए हमारे यहाँ, स्वामी जी ने भी यही कहा ना, जितने भी महापुरुष प्रकट हुए उन्होंने कोई भारत में राजकीय या सामाजिक या आर्थिक आंदोलन नहीं किए हैं, सभी लोगों ने हमारे धर्म को मजबूत बनाया। इसलिए जो स्वामी जी कहते हैं रिलीजन, रिलीजन अलोन इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। जब यवन लोग आए तब संत परंपराएं एक के बाद एक शुरू हुई और सबने क्या किया, धर्म को अद्भुत मजबूत बना दिया। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कार्य किया। वो यद्यपि वो कहते हैं कि हमें, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि राजकीय सामाजिक आर्थिक वो सब सुधार नहीं होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए, लेकिन वो भारत का प्राण नहीं है। भारत का प्राण तो केवल धर्म, धर्म और धर्म ही है। इसलिए स्वामी जी ने कोई राजकीय आंदोलन शुरू नहीं किया, आर्थिक आंदोलन शुरू नहीं किया, सामाजिक आंदोलन शुरू नहीं किया, एक धार्मिक अद्भुत भारत की धर्म चेतना को जागृत किया है। श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा कोई आंदोलन नहीं शुरू किया है, क्योंकि अंत में तो अत्र तत्र सर्वत्र क्या है, वही ईश्वर ही है। जिसने मुझे मारा था वही इसी वक्त दूध पिला रहा है, उस घटना को मिला लीजिए। इसलिए कहा कि ये वृक्ष कैसा है, अति प्राचीन है। स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम्, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, भगवद गीता में कहा। इसलिए अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, वो लोक का ये जगत का विशेषण प्रयोग किया। जब ऐसा लोक तुझे प्राप्त हुआ है तो तू मेरी भजना कर। तो इस संसार वृक्ष का निर्माण करते हुए बता रहे, वो संसार वृक्ष कैसा है, बोले अत्यंत प्राचीन है।
देखिए, तो अभी जो चिंतन किया, इस समग्र संसार के अंदर में ईश्वर नाना रूप से है, उसके नाना रूप है, नाना नाम है, लेकिन वह ईश्वर ही अत्र तत्र सर्वत्र है। इसलिए कहा ईश्वर ही नाना रूपों में प्रकट हो रहा है। इसलिए ईश्वर की माया का विकास होने के कारण उसके आश्रित यह जो जगत है वह ईश्वर से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, क्योंकि वही है जगत। ईश्वर नाना रूप में प्रकट हो रहा है। ये क्या नाना रूप में कैसे प्रकट हुआ? उनकी माया का विलास हुआ इसके कारण। तो यह माया उन्हीं के आश्रित होने के कारण यह जो जगत है वह ईश्वर से भिन्न नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है। ये जगत परिच्छिन्न होना, भिन्न होना, जुदा होना क्या है? बोले वो मायापन है। असल में तो ईश्वर ही है, एकमात्र ईश्वर ही सब कुछ हो रहा है। ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए आगे के श्लोक में कहते यस्मिन् इदं ब्रूतम शेषमूतं पटो यथा तंतुविता न संस्थः स एष संसार तसः स एष संसार तरुः पुराणः कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूते यस्मिन् इदं ब्रूतम शेषमूतं पटो यथा तंतुविता न संस्थः स एष संसार तरुः पुराणः कर्मात्मकः पुष्प फले प्रसूते। बोले जैसे पट माने कपड़ा, सूत में ओतप्रोत है, यस्मिन्निदं प्रोतम शेषमोतम कैसा पटो यथा तंतु वितान संस्थः, जैसे कपड़े में तंतु मनी सूत ओतप्रोत है, कपड़े में तंतु ओतप्रोत है, कपड़ा जो है सूत से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, जुदा नहीं है। दोनों में पार्थक्य कितना है तंतु और कपड़े में? बोले तंतु किसी के तन को ढक नहीं सकता है, और कपड़ा जो है किसी के तन को ढकने के लिए काम में आता है, बस हमारी शर्म मिटा देता है। कपड़े पहन लिए तो हमारी शर्म मिट गई, लेकिन तंतु किसी के तन को ढक सकता नहीं है। तंतु अर्थात सूत, जिसे हम धागा कहते हैं, तो तंतु सूत या धागा किसी के तन को ढक नहीं सकता है, किसी को सर्दी से रक्षण नहीं देगा, लेकिन कपड़ा सर्दी से रक्षण देगा, कपड़ा शरीर को ढकेगा, शर्म से बचाएगा। तो देखिए, तो कार्य की दृष्टि से दोनों भिन्न हैं, तंतु भी भिन्न है, कपड़ा भी भिन्न है। कपड़ा का कार्य क्या है? मनुष्य की शर्म बचाता है, उसको रक्षण देता है शीतकाल में, जबकि धागा तंतु यह नहीं कर सकता है। कार्य की दृष्टि से तंतु एवं कपड़ा दोनों भिन्न है, परंतु तत्व की दृष्टि से कपड़ा और सूत अर्थात धागा भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। जैसे कपड़ा सूत में ही ओतप्रोत है, या सूत कपड़े में ओतप्रोत है, उसी तरह से इस संसार में ईश्वर ही पूर्ण रूप से ओतप्रोत है। तो बोले संसार रूपी जो वृक्ष है, यह जिस ताने बाने से बना है, उसका नाम क्या है? बोले ईश्वर है। ये संसार और ईश्वर अलग नहीं है। और यह कैसा है? बोले प्राचीन है,
सयेश संसार तरुहु शब्द पर ध्यान दिया जाए। पुराण कर्मात्मक पुष्पफले प्रसूते। सयेश संसार तरुहु, पुराण वो पुराना है, प्राचीन है, कर्मात्मक पुष्पफले प्रसूते। तत्व की दृष्टि से जैसे सूत है वैसे ही कपड़ा है। तत्व की दृष्टि से सूत जो कपड़े में अत्र तत्र सर्वत्र है, ठीक वैसे ही इस प्रपंच में ईश्वर अत्र तत्र सर्वत्र वही है। ये प्रपंच और कुछ नहीं, ईश्वर का ही स्वरूप है। इस संसार में ईश्वर अत्र तत्र सर्वत्र भरपूर है। बोले इसी में कर्मात्मक पुष्प फले प्रसूते, इसी में पुष्प और फल माने भोग और फल, मानी भोग और मोक्ष दो निकलते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष में से क्या निकलता है? पुष्प। पुष्प मानी भोग और मोक्ष मानी फल निकलते हैं। कौन किस में से? संसार रूपी वृक्ष में से। और वो वृक्ष कैसा है? अत्यंत प्राचीन है। सयेश संसार तमः तरुहु पुराणः कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूते। तो भोग क्या हुआ? पुष्प। फल क्या हुआ? मोक्ष। यह भोग तो फूल की तरह है। भोग कैसा है संसार में? फूल की तरह। फूल कितने घंटे रहता है? देखिए यहां पर जो पुष्प रखे हैं, ये जो माला के पुष्प है, कितने दिन तक रहेंगे? दिन नहीं स्वामी जी, घंटे। कितने घंटे? 2-3 घंटे बस। गुलाब का पुष्प कितने दिन, कितने घंटे रहता है? 1-2 घंटे मुरझा जाता है। वैसे ही ये भोग जो है कितने दिन तक रहेगा? 1-2 दिन के लिए ही है। भगवत पाद ने कह दिया लक्ष्मी विद्युत तरंग चपला। लक्ष्मी कितने दिन के लिए? अरे आकाश में जैसे विद्युत होती है ना, बिजली प्रकाशित होती है, विद्युत कितनी क्षण के लिए रहती है? लक्ष्मी हम लोगों के पास उतनी ही क्षण के लिए रहती है। लक्ष्मी विद्युत तरंग चपला। तो कहते हैं कर्मात्मक पुष्प फले प्रसूते। ये पुष्प क्या है? भोग है। संसार के भोग फूल की तरह है, तुरंत मुरझा जाएंगे। जो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन असलियत में कुछ नहीं है। और अपवर्ग माने जो मोक्ष, अपवर्ग फल है। धर्मस्य या अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। तो यही बात कही गई, असलियत में कुछ नहीं है और अपवर्ग रूपी मोक्ष फल जो मोक्ष है उसको खाने से रस आता है, उसको खाने में स्वाद है, मोक्ष रूपी फल। तो इस संसार में भोग फूल है, पुष्प है और मोक्ष फल है, अथवा कर्म और उसका फल, कर्म का फल। इसलिए कहा ना कर्मात्मक पुष्प फले प्रसूते, कर्म का फल। बस भोग एवं मोक्ष। अब इसका विस्तार करते हैं। विस्तार कैसे करते हैं? संसारूपी जो वृक्ष बताया, बोले वो संसारूपी वृक्ष कैसा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं द्वे अस्य बीजे शतमूलस्त्रिनालः पंचस्कंद पंचरस प्रसूति दशैक शाखो द्विसुपर्ण निड स्त्रिवल्कलो द्विफलोर्कं प्रविष्टः। सुंदर बिंदु है,
द्वे अस्य बीजे शतमूलस्त्रीनालः पञ्चस्कन्दः पञ्चरसप्रसूतिः। अब तक यह बात बताई किस प्रकार व्यष्टि एवं समष्टि के रूप में संसार में जो कुछ है वो केवल परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ हम वो देखते हैं वो परमात्मा के स्वरूप को न जानने के कारण उसमें कल्पित किया हुआ है। हम इस संसार में जो नानात्व देखते हैं, भिन्नता देखते हैं, परिच्छिन्नपना देखते हैं, वो तो परमात्मा के स्वरूप को न जानने के कारण उसमें कल्पित किया हुआ है। और बोले यह जो वृक्ष रूप संसार है इसका कर्तृत्व रूप हेतु अज्ञान है। बहुत बड़ी बात बताई, वृक्ष रूप इस संसार जो है, द्वे अस्य बीजे शतमूलस्त्रीनालः पंचस्कंद प्रंच पंचरस प्रसूति ही दशैक शाखो द्विसुपर्ण नीड स्त्रीवल्कलो द्विफलोर्कम प्रविष्ट। कहते ये जो वृक्ष रूप संसार है इसका कर्तृत्व रूप हेतु अज्ञान है। कर्तृत्व रूप हेतु शब्द पर ध्यान दे हम सब लोग। इसमें जो हम लोगों में कर्तापना है इस संसार के अंदर में, वही हमारे अज्ञान का कारण है। इसी की चर्चा 13वें अध्याय में करेंगे। भगवान तंतु आगे से बांध लेते हैं। भगवान ने कहा इस वृक्ष रूपी जो संसार है उसका हेतु जो है वो क्या है, कर्तृत्व रूप हेतु ही अज्ञान है। वो अज्ञान के कारण आता है कर्तृत्व भाव। मैं करूँगा, मैंने किया, मैं नहीं होता तो होने वाला नहीं था, मैं नहीं होऊंगा तो कौन करेगा, ये सब कर्तृत्व रूप हेतु अज्ञान के कारण होता है। वो सब अज्ञान है। हूँ करूँ एच अज्ञानता षटकनो भारजे मस्वानताणे। तो कहते हैं इस अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी, बोले ज्ञान के द्वारा। सीधी बात है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति करनी है। स्वामी विवेकानंद यही बात बताते हैं, वाई डू वी सफर बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं, अज्ञान के कारण। अब ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, फिर कर्म करने की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। जब ज्ञान प्राप्त हो गया बस फिर क्या बोलेंगे हम, करना था सो कर लिना, अब ना करना ना भरना है, पाना था सो पा लिया, अब ना पाना ना खोना है। अब फिर न विधि रही न निषेध रहा, विधि निषेध कुछ रहा ही नहीं। तो ये संसारूपी वृक्ष कैसा है, द्वे अस्य बीजे शतमूल स्त्रीनालः। द्वे अस्य बीजे शतमूल स्त्रीनालः, इस संसार रूपी वृक्ष के दो बीज है। द्वे अस्य बीजे, अस्य मनी यहां, द्वे मनी दो, बीज इस संसार रूपी वृक्ष में दो बीज है। कौन से बीज, एक पुण्य है और एक पाप रूपी बीज, पुण्य एवं पाप, इस संसार रूपी वृक्ष के दो बीज है। द्वे अस्य बीजे शतमूलस्त्रीनालः, इसकी अनेक शाखाएं हैं। कैसा है, शतमूल सैकड़ों, इसके मूल है शतमूल। मूल क्या है, बोले वासनाएं। कितनी कितनी वासनाएं हमारी, गिने बैठेंगे तो सैकड़ों मिल जाएगी।
तो बोले संसार रूपी वृक्ष की अनेकों जड़ है, अर्थात अनेकों वासनाएं हैं, वे उसकी जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की। उसके दो बीज पाप एवं पुण्य। और कहा शतमूल त्रिनाल, त्रिनाल जो आया ना, द्वे अश्व बीज है शतमूल त्रिनाल, संधि विच्छेद करे शतमूल त्रिनाल, तीन नाल है। क्या तीन नाल है? बोले सत्व रजस एवं तम तमस, ये तीन इसके मोटे मोटे तने हैं। नाल माने तने, वृक्ष के मोटे मोटे तने होते, बट वृक्ष के देखे ना तने, तो सत्वगुण रजोगुण एवं तमोगुण इस संसार रूपी वृक्ष के तीन बड़े बड़े बोले कहते हैं तने हैं। फिर कहते हैं पंचस्कंदः, पंचभूत इसकी पांच प्रधान शाखा है। स्कंद मानी शाखा है, पंचस्कंद पांच इसकी मूल शाखाएं हैं, प्रधान शाखा है। शाखाएं क्या है? पांच शाखाएं उसकी प्रधान, आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी, ये पंच महाभूत। फिर कहा पंच रस प्रसूति ही, बोले पांच जो रस है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच तन्मात्राएं, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये इसके पांच रस है। पंच रस प्रसूति ही अभिव्यक्त होता है प्रसूति। दशैक शाखो, दशैक दस जोड़ एक बराबर ग्यारह, ग्यारह शाखा है इसकी। क्या क्या है? बोले दस इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेन्द्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां नेत्र कर्ण चर्म नासिका जिह्वा। पंच कर्मेन्द्रियां हस्त पाद मुख उपस्थ एवं गुदा, तो दशैक शाखा और ग्यारहवा मन, पांच जोड़ पांच दस ग्यारहवा मन, तो दशैक शाखा। द्विसुपर्ण नीड़ मानी दो पक्षी है। कौन दो पक्षी? एक जीव एवं एक है ईश्वर। जीव और ईश्वर इसके दो पक्षी है। त्रिसुपर्ण नीड़, त्रिवलकलो, त्रिवलकल है। क्या है तीन वलकल? कफ वात एवं पित्त। वैद्यराज के पास जाएंगे तो बता देंगे कौन सी कफ की नाड़ी है, कौन सी वात की और कौन सी पित्त की। ये तीन इसकी छाल है, त्रिवलकल हो, ये तीन छाल है। क्या कहते हैं? बोले कफ वात और पित्त। फिर कहते हैं द्वेदम अदंति चैकम फलमस्य गृध्रा ग्रामे चरा एकमरण्यवासा। बोले अब यह वर्णन करते हैं कि इस पेड़ का फल कौन खाता है। अदंति च एकम फलमस्य गृध्रा ग्रामे चरा एकमरण्यवासा, इसका फल कौन खाता है? बोले तो बोले दो तरह के पक्षी इसके ऊपर रहते हैं। पहले तो बताया दो पक्षी है, द्विसुपर्ण नीड़ा, एक जीव एवं ईश्वर। अब इसी का और गुणार्थ में प्रवेश करके कहते हैं, बोले दो तरह के पक्षी इसके ऊपर में रहते हैं। कैसे कैसे? गृध्रा ग्रामे चरा एकमरण्यवासा, हंसाय एकम बहुरूपमिज्जै मायामयम वेद सवेद वेदम। कितनी सुंदर बात है। दो पक्षी जो इसके ऊपर रहते हैं, एक है गृध्र गृध गृध और दूसरा है हंस गिद्ध जो रहता है, जिसको हम गिद्ध बोलते हैं। एक गिद्ध रहता है और दूसरा कौन रहता है? हंस। एक गीत और दूसरा हंस,
इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर में। संसार रूपी वृक्ष का वर्णन किया तो संसार रूपी वृक्ष के जो दो बीज बताए, पाप एवं पुण्य, उसमें दो पक्षी रहते हैं, जीव एवं ईश्वर। उसके अनेक जड़ है, मानी वासना रूपी अनेक जड़ है। पांच मुख्य शाखाएं हैं, पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल। पांच मुख्य रस है, पंच रस प्रसूति ही, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। दशैक शाखा, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ग्यारहवा मन। द्विसुपर्ण नीड़ा, दो पक्षी उसके ऊपर रहते हैं। त्रिवलकलो, तीन वलकल है, कफ वात एवं पित्त। द्विफलोर्कम प्रविष्ट, द्विफल दो फल, पाप एवं मानी सुख एवं दुख रूपी फल, और अर्क प्रविष्ट। वह पाताल से लेकर सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। अदंति चैकम फलमस्य रुद्रा ग्रामे चरा एकमरण्य वासः। जो दो पुष्प पक्षी है उसमें एक है गिद्ध जिसे कहते हैं, और दूसरा है हंस। तो हम सब लोग जानते हैं गिद्ध क्या करता है। गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन उसकी नज़र कहाँ होती है? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं श्मशान में कहाँ हड्डियाँ और मर्दा सड़ा हुआ पड़ा है। तो बोले दो पक्षी है, एक गिद्ध है और दूसरा हंस है। तो गिद्ध कौन है? बोले ग्रामे चरा एकमरण्य वासः, अदंति चैकम फलमस्य रुद्रा ग्रामे चरा। ग्राम्य विषयों का मनी अर्थात जो ग्राम्य विषयों की चर्चा करते रहते हैं, भोगों के बारे में जो चर्चा करते रहते हैं, हमको इतना मिला, अब इतना मिलना बाकी है, संसार की जो चर्चाएं वो ग्राम्य चर्चा है। भोगों की जो चर्चा है वो ग्राम्य चर्चा है। वासनाएं की जो चर्चा है वो ग्राम्य चर्चा है। भगवत चर्चा छोड़ करके सब कुछ ग्राम्य चर्चा में आता है। तो कहते हैं एक गीत कौन है? बोले जो ग्राम्य विषयों अर्थात माने गंदे विषयों का भोग करते हैं, जो सारा दिन पर निंदा पर चर्चा, या जगत में ये हुआ, उस कोने में वह हो रहा है, यहाँ पर इतने तकलीफ हो रही है, यहाँ पर वो हो रहा है, अरे बाबा ये जगत ऐसा ही है नारायण, इसमें यही होने वाला है, कहीं कुछ बनेगा, कहीं कुछ जो निर्माण हुआ है उसका विनाश होगा, या कहीं जो निर्माण हुआ है उसका पालन होगा, इससे अतिरिक्त और कुछ होने वाला नहीं है। अपने मन को समझा दो, जो समाचार है वो सब यही है, जगत की चर्चा और कुछ नहीं है। इसलिए कहा ग्राम्य चर्चा, उसमें तुम मन मत डालो। ग्राम्य चर्चा कौन करता है? गीद, जो सड़ा हुआ मुर्दा खाता है, तामसिक आहार करता है, अर्थात गीद विषयों का भोग करता है। वे जो गंवारू ढंग के लोग है, गीद के जैसे है, और फिर परिणाम स्वरूप उनको दुख रूप फल प्राप्त होता है। हम संसार की चर्चा करेंगे, लोगों की पर निंदा पर चर्चा, बोले जगत में क्या हो रहा है, इस देश में ये हो रहा है, उस देश में ये हो रहा है, भारत के इस राज्य में वो हो रहा है, उस राज्य में वो हो रहा है, गुजरात में ये हो रहा है, आंध्र में वह हो रहा है, बोले यूपी में हो रहा है, बिहार में यह हो रहा है, बोले वेस्ट बंगाल में यह हो रहा है, बात ही मत पूछो बा, उड़ीसा में यह हो रहा है, बोले बाबा अनेक हुआ, इनफ ऑफ इनफ। ये ग्राम्य चर्चा जितने करोगे उतने दुख भुगतोगे तुम। अपने मन को बहकाते काहे को हो, अपने मन को व्यर्थ के विषयों में डालते क्यों हो? हम नहीं था तब भी ये जगत था, हम नहीं रहेंगे तब नंदनवन के जैसा रहेगा।
इसलिए अपने मन में से भ्रांत धारणाएं निकाल दीजिए, हम नहीं रहेंगे तो जगत का क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, बहुत अच्छा होगा। हम नहीं थे तब ये जगत बहुत अच्छा था, नहीं रहेंगे तो नंदन वन जैसा बनने वाला है। इसलिए कहा कि गिद्ध के जैसे मत बनो, विवेक रखो क्या लेना क्या नहीं लेना है। हंसाय एकम बहुरूप मिज्जेर मायामयम वेद सवेद वेदम। हंस की तरह बनो। हंस क्या करता है, दूध और जल मिश्रित हो चुका है, जल में दूध मिल गया है, तो हंस क्या करता है, दूध ले लेता है, जल को छोड़ देता है। श्री राम कृष्णदेव इसलिए कहते हैं, बाबा ये संसार में सब जगह गोलमाल है, माल ले लो, गोल को छोड़ दो। बालू में जैसे चीनी मिल गई है तो चीटी बन करके हमको चीनी ले लेना है, बालू को छोड़ देना है। संसार में जल में दूध मिल गया है तो हंस बनकर हमें दूध को ले लेना है, जल को छोड़ देना है, बस। तो जैसे गिद्ध गंदी वस्तु खाने से उसे कष्ट होता है, ऐसे ही जो वासनावान प्राणी है वो गंदी बातों का श्रवण करने से, चिंतन करने से, मनन करने से वो लोग दुखी होते हैं। हम संसार का अधिक चिंतन करते हैं इसलिए तो दुखी है, किस देश में ये हुआ, उस राज्य में वह हुआ। बोले बहुत चिंता की तुमने, तुमको आखिरी में मिला क्या, दुख अशांति एवं क्लेश। इसलिए कहते हैं एक अधरण्य वासाहा, कितनी सुंदर बात कही है। बोले एक शुद्ध जंगल में रहने वाला पवित्र पक्षी, उसका नाम है हंस, वे सुखरूप फल को ही खाता है। हंस जो है सुखरूपी फल को ही भुगतता है। जो गंदे विषयों की वासना में फंस जाएगा उसको बारंबार दुख होगा, और जो अपने को पवित्र विवेकी त्यागी बनाकर रखेगा वह सुखी होगा। हम यदि अपने को इस संसार के मायाजाल में और प्रवृत्त करेंगे तो हम दुखी ही होंगे, और जो अपने को पवित्र बना करके रखेगा, विवेकी रखेगा, त्यागी बनाकर रखेगा वह सुखी हो जाएगा। इसलिए कहा यह एकम बहुरूपमिच्छैर मायामयम वेदस वेद वेदम। तो कहते असल में ज्ञानी कौन है, बोले जो गुरुओं की शरण में रहते हैं, गुरु की आज्ञाओं का जो पालन करते वही ज्ञानी है। बोले तुम अनुभवी महापुरुषों के पास जाकर के ज्ञान का श्रवण करो, उनके चरणों की सेवा करके जिसने यह जान लिया कि एकमात्र ईश्वर ही अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है, एकमात्र ईश्वर ही सब कुछ हो रहा है नाना रूप में बहु रूप में, उस ईश्वर के सिवा और कोई वस्तु नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसे लोगों के पास जाकर के उनके चरणों की वंदना करके श्रद्धा के साथ उनका बोले सत्संग करो। शुश्रूषो श्रद्धानश्च वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवयः विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। बोले जाओ तीर्थों में जाओ और महात्माओं का श्रवण करो, अर्थात महात्माओं की वाणी का श्रवण करो। अत्यंत आवश्यक है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उद्धव जी यह ज्ञान हुआ जब आपको कि ये सब कुछ परमात्मा है, अत्र तत्र सर्वत्र केवल परमात्मा ही परमात्मा है, हर देश में तू, हर वेश में तू,
तेरे नाम अनेक बसतु एक ही है। तो बोले जब यह ज्ञान हुआ आपको कि सब कुछ परमात्मा ही हो रहा है, हुआ है, तब मानना, तब तुम्हें कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बोले एक मानना दूसरी बात है, कहना दूसरी बात है, और अनुभव होना दूसरी बात है। ये तीनों में पार्थक्य है। बोले माना, क्या माना? बोले सब जगह अत्र तत्र सर्वत्र केवल ईश्वर है, वो हमने माना। फिर कहा कि भाई सब जगह ईश्वर है, हम जो कह रहे हैं अभी चिंतन कर रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं कि सब जगह ईश्वर है, मान भी लिया, महात्मा लोग कहते कि सब ईश्वर है, लेकिन अनुभव करना अलग बात है। तो कहना, मानना और अनुभव करना, ये तीनों अलग अलग है। अगर यह ज्ञान प्रकट हो जाए अनुभव के अंदर में, जो महात्मा को हुआ, उसने कहा ना, जिसने मुझे मारा था वही इस वक्त दूध पिला रहा है। अगर यह ज्ञान अनुभव में नहीं उतरा, इसके अपने यदि अनुभूति नहीं की, तो बोले उसकी प्राप्ति में आखिरी में तुमको रुकावट क्या आती है? बोले महाराज, यह ज्ञान तो अभी तक हमें प्राप्त हुआ नहीं है कि सर्वत्र ईश्वर है। हमने सुना है, महात्माओं ने कहा है, लेकिन हमको उसकी अनुभूति नहीं है। बोले महाराज, इस ज्ञान की अनुभूति में रुकावट क्या है? बोले बस एकमात्र वासना ही रुकावट है उसकी प्राप्ति में। वासना के कारण अत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा है, वह हमें दिखाई देता नहीं है, प्रतीत नहीं होता है। तो बोले वासनाओं को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले वासनाओं को मिटाने के लिए कर्म करो, धर्म करो। वासनाएं तो जाएगी नहीं। बोले वासना को मिटाने के लिए कर्म करो, धर्म करो। तो वासनाओं को मिटाने के लिए जो कर्म करता है, धर्म करता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। बोले कर्म कब तक करते रहेंगे? बोले सदैव कर्म करते रहना है। बोले ना, कर्म क्या हमें हमेशा करते रहना है? बोले नहीं, कर्म से छूटने के लिए बोले भक्ति भी करो। भक्ति मानी अविच्छिन्न धारा से सतत भगवान नामस्मरण करते रहना। भगवान नामस्मरण की एक अविच्छिन्न धारा, वह भक्ति है। तो बोले जब हृदय शुद्ध होने पर ब्रह्मानुभूति होगी, तब फिर कुछ करना धरना शेष रह नहीं जाएगा। कितनी बड़ी बात बता दी। जब हृदय शुद्ध होने पर ब्रह्मानुभूति हो जाएगी, फिर कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ भरना है, वह कोई वृत्ति रहेगी नहीं, कुछ नहीं रहेगा। तो बोले क्या रहेगा? तो कहे कि पहले गुरु के पास जाओ और गुरु से ज्ञान अर्जित करो। एवं गुरु वासनायैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरः विवृश्च्य जीवाशयम् अप्रमत्तः समाद्य चात्मानमथ त्यजास्त्रम्। एवं गुरुपासनायैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरः। एवं गुरुपासनायैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरः विवृश्च्य जीवा शयम् अप्रमत्तः संपद्य चात्मान मथ त्यजास्त्रम्। बहुत सुंदर बात बताते हैं। एवं गुरुपास नयैक भक्त्या, बोले गुरु के पास जाकर जाओ। बोले आपके पास जो ब्रह्म ज्ञान का कुलाड़ा है उसको खूब तीक्ष्ण करो, आपके पास जो ज्ञान है उसको तीक्ष्ण करो। बुद्धि को सतेज बनानी पड़ेगी, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना पड़ेगा।
ज्ञान का कुलाड़ा भूथर नहीं होने पावे, मानी बिना धार वाला नहीं होना चाहिए, तीक्ष्ण होना चाहिए। एक कुलाड़ी मारेंगे तो कटना चाहिए। तो बोले जब ज्ञान का कुलाड़ा तीक्ष्ण नहीं होगा तो फिर वृक्ष की जड़ कटने वाली नहीं है। जड़ कब कटती है? जब कुल्हाड़े की धार अत्यंत तीक्ष्ण होती है। तो बोले यह संसार वृक्ष है और वृक्ष वह होता है, वृक्ष किसका नाम बोलते हैं, वृक्ष वह होता है जिसकी जड़ बिना काटे न कटे। वृक्ष उसे कहते हैं जिसकी जड़ बिना काटे न कटे, वह वृक्ष है। तो बोले संसार का वृक्ष माने नरक में जाना, स्वर्ग में जाना, ये संसार रूपी वृक्ष है। उसमें नरक में जाना, स्वर्ग में जाना, पुनर्जन्म होना, वासना होना, बंधन हेरना, दुख होना, सुख होना, ये सब कहाँ है? बोले संसार रूपी वृक्ष में विद्यमान है। बोले इसको काटना पड़ेगा। बोले कैसे काटें, किससे काटें? तो कहते ब्रह्म ज्ञान के कुलाड़े से काटो। ब्रह्म ज्ञान से अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाओ, मार्जित करो और फिर देखो कितना आनंद आता है। लेकिन याद रहे कुलाड़ा तीक्ष्ण होना चाहिए। अब आगे का सुंदर दर्शन है, उसमें प्रविष्ट होने से पहले महाराज जी से नम्र निवेदन करेंगे, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें, उसके बाद हम आगे के तत्वार्थ में प्रवेश करेंगे। राधा रमण हरि गोविंद जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय गो गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्ण लाल की जय। तो भगवान वासुदेव कहते हैं इस श्लोक में कि बोले तुमको वृक्ष काटना पड़ेगा, संसार रूपी वृक्ष। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुल्हाड़ी को तीक्ष्ण बनाओ। कैसे बनाएंगे? ब्रह्म ज्ञान से। बोले इसलिए कहा, एवं गुरुपासनैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरः विवृश्च जीव जीवाशयमप्रमत्तः समाद्य चात्मानमथ त्यजास्त्रम्। एवं गुरुपासनैक भक्त्या, गुरु की उपासना करो। हमारे ज्ञान का कुलाड़ा बिथड़ नहीं हो, बोथर नहीं होना चाहिए। ज्ञान का कुलाड़ा मनी बुट्ठा नहीं होना चाहिए, उसकी धार जो है तीक्ष्ण होनी चाहिए, बुट्ठी नहीं होनी चाहिए। यह संसार जो वृक्ष है, वृक्ष क्या होता है? वृक्ष वह होता है जिसकी जड़ें कटे बिना उसको हम काट सकते नहीं है। वृक्ष को काटना मानी उसके जड़ में से हमें काटना पड़ता है, तब जाके के वृक्ष कटता है। यहां पर यही बात बताई है। अब बोले संसार का वृक्ष माने क्या? नरक में जाना, स्वर्ग में जाना, सुख भुगतना, पाप भुगतना, दुख भुगतना, पाप भुगतना, पुण्य भुगतना। बोले द्वंद में कब तक रहोगे? सुख दुख के, ज्ञान अज्ञान के, पाप पुण्य के, स्वर्ग के, नरक के, ये द्वंद में कब तक रहोगे? बोले इस संसार वृक्ष को काटो। बोले कैसे काटे? ज्ञान रूपी कुलाड़े से काटो। एवं गुरुपास नचैक भक्त्या, बोले विद्या कुठारेण शीतेन धीरः। शीतेन धीरः, शीत माने क्या? जो जिसकी शान ठिकाने पर है, जिसने शान, जो शान धराया हुआ है, जिसमें शान है। कहते ना इसमें शान नहीं है, इसमें शान है। शान मानी विजडम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, गुजराती में अपने शब्द प्रयोग करी छे शानपण, एज शान, उसको संस्कृत में शीत कहते हैं। शीतेन धीरः, विद्या कुठारेण शीतेन धीरः, शीत मानी शान। जिसमें शान है, बोले शान धरो। बोले शान कैसे धराए? तो कहते गुरुपासनैक भक्त्या, गुरु के पास जाकर के उनकी एक निष्ठा से भक्ति करो, महापुरुष के चरणों का आश्रय करो। शुश्रूषो श्रद्धानश्च वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। शान कैसे धरे? गुरुपासनैक भक्त्या, गुरु की जो उपासना है उसी में यह तीक्ष्ण होता है। जितने हम महात्माओं की सेवा करेंगे, गुरुओं की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करने से ये फल, हमारा जो कुल्हाड़ा है वो तीक्ष्ण बनता है। मनी बुद्धि तीक्ष्ण बनती है, विवेक जगता है। जो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मास्टर महाशय को,
सब समय विवेक विचार करना, ईश्वर ही सत्य बाकी सब असत्य। वह चीज मन्नातो जगन्नातो मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्पदं। गाते ना हम लोग गुरु की वंदना करते हुए, ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मोक्षमूलं गुरुर्वाक्यं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्पदं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानमति अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्ण कृष्ण करता थय गोपी कृष्ण स्वरूप, गुरु गुरु करता शिष्यनु रहे न पूर्व स्वरूप। तो बोले गुरु की उपासना करो, सदा भजो गुरुदेव, गुरु बिन ना ही कोई अपना, नाते गोते सब स्वारत के निस्वार्थ गुरु राना, आप समान करे शिष्यन को देवे पद निर्बाना। सदा भजो गुरुदेव, गुरु बिन ना ही कोई अपना, गुरु की भक्ति करो, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करो। गुरु की भक्ति करना केवल गुरु के पट की पूजा करने की बात नहीं है, गुरु के उपदेशों को अपने आचरण में उतारना, वो है गुरु पूजा। बोले हम तो हमारा गुरु जी का फोटो रखे ही हैं, हर रोज मंदिर में रखा है, सुंदर सा हमने उसको बधा दिया है, स्वामी जी सुंदर फोटो है, हर रोज हम पोछते हैं, चंदन लगाते हैं, वंदन करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मंत्र भी बोल लेते हैं। बोले वो तो प्रारंभिक पूजा हुई, और आगे चलो गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के बारे में स्वामी विवेकानंद पत्रावली में लिखते हैं, श्री रामकृष्ण देव अवतार थे, अवतार थे, यदि वो अवतार थे तो अपने जीवन से दिखाओ, शो इट फ्रॉम योर ओन लाइफ दैट यस वी आर द डिसाइपल्स ऑफ श्री रामकृष्ण, वैन वी कैन से वैन वी हैव पुट द टीचिंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण इन टू अवर ओन लाइव्स। यदि हमने हमारे जीवन में उनके उपदेशों का अनुसरण किया है, उपदेशों को उतारा है, तभी कह सकते हैं। तो बोले यह गुरु पूजन करो, और वो उपदेशों को जीवन में उतारना कठिन बात है ना, पूजा करना कितना आसान है, 10 मिनट में पूरी हो जाएगी, अच्छे अच्छे पुष्प भी चढ़ा देंगे, भोग भी चढ़ाएंगे, इत्र भी ले आएंगे, अरे सजाएंगे अच्छा सा एकदम। बोले पूरे घर को सजाए, बोले आज गुरु पूर्णिमा है इसलिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन वहाँ रुकना नहीं है, उससे आगे जाना है। गुरु के उपदेश को अपने जीवन में उतारना है, और उपदेश को जीवन में उतारने के लिए क्या आवश्यक होता है, अप्रमत्तः जीवाशय शयम अप्रमत्तः, संधि विच्छेद होगा अप्रमत्तः। बोले एक तो प्रमाद मत करो, प्रमाद नहीं करना है, अपनी इंद्रियों को और मन को संसार के विषयों के भोग में मत लगाओ, अपनी इंद्रियों को और मन को संसार के भोगों में फंसने मत दो। धीरह माने जो दुख आवे उसको धैर्य पूर्वक सहन कर लो, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम, उसको धैर्य पूर्वक सहन कर लो। जीवा जीवाशयम विवृश्च, जीवाशयम विवृश्च, शब्द यह है जीवाशयम विवृश्च, यह जीव का जो आशय है,
जो जीव को छोटा बनाने का, जो वासनामय बनाने की अंतकरण की उपाधि है, उसको काट करके जीवाशयम विवृश्य, जो जीव को छोटा बनाने की आशा है। हम अपने आप को छोटा कब बना देते हैं? जब हम समझते हैं कि हमारे पास यह नहीं है, वह आएगा तो हम बड़े बन जाएंगे, बाहर से कुछ मिलेगा तो हम बड़े बन जाएंगे। बोले ये जो वासनामयी है या अंतकरण की उपाधि है वासना, उसको काट को संपद्य चात्मनम। बोले कैसे काटे? परमात्मा से एक हो करके, अथ त्यजास्त्रम। जब परमात्मा से एक हो जाएंगे उसके बाद फिर वह कुलाड़ा फेंक दो। त्यजास्त्रम, त्यज अस्त्रम, उस अस्त्र को फेंक देना है। कब फेंकना है? जब परमात्मा से एक हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा दोनों एक बन गए, तब उस अस्त्र को फेंक दो, कुलाड़े को फेंक दो। जब कार्य हो गया फिर साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। बस राजकोट से अहमदाबाद पहुंच गए, तत्पश्चात गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए गाड़ी को पार्क कर दिया है। बस वही है। तो साधन कब तक करना है? जब तक हम परमात्मा के साथ एक नहीं हो जाता है। बोले जब तक परमात्मा के साथ एक नहीं होते हैं तब तक साधन करना है, और जब एक हो जाएंगे तब, बोले फिर न अंतकरण शुद्ध करने के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। संगति लगी अब यहां पर 17वें श्लोक से शुरू करके 24वें श्लोक में संपद्य चात्मनामथ त्यजास्त्रम, उस श्लोक में भगवान उद्भासित करते हैं। बोले कर्म करने की कब तक आवश्यकता है? जब तक उस ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक। तो बोले जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक कर्म करने की आवश्यकता है। एक बार अंतकरण शुद्ध हो गया फिर कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। बस फिर कोई उपासना कुछ करने की आवश्यकता नहीं। फिर क्या हुआ? बस अत्र तत्र सर्वत्र हम ही हम है। आकाशे आकाशवत बदे हूं ज साक्षात, अत्र तत्र सर्वत्र केवल मैं ही हूं। फिर तो बोले महाराज ये जो शास्त्र में बता है सब कुछ छोड़ करके ब्रह्मनिष्ठ हो जाओ, बोले वह ऐसे नहीं बताया है। बोले पहले साधन करो, साधन करके फिर छोड़ना होता है। साधन करके साध्य का प्राप्त, साध्य की प्राप्ति कर लो। जो सिद्ध दशा में पहुंच जाते उनके लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा संध्या काले गायत्री में, गायत्री का ओमकार में, एक हाथ से कर्म करो दूसरे हाथ से भगवान की सेवा करो। जब काम ये खत्म हो जाए तब दोनों हाथ से भगवान की सेवा करो। सिद्ध दशा में पहुंच जाते तब वह कर्म अपने आप छूट जाता है। उसका अर्थ यह नहीं कि हम साधक दशा में ही कर्म का त्याग कर दे। यदि कर दिया तो क्या हुआ? तो भ्रष्टति ततो भ्रष्टति, समझिए। साधक दशा में ही हमने कर्म छोड़ दिया तो साधन करने से पहले जहां थे वहां पर पहुंच जाएंगे, सुखी दुखी होते रहेंगे, गोता लगाते रहेंगे, संशय का राहित्य कभी नहीं होगा, संशय में ही हम मग्न होते रहेंगे और दुष्ट रूप दुख की निवृत्ति नहीं होगी। बोले साधन अवस्था में ही कर्म छोड़ दिया तो दुख दूर हुआ नहीं, संशय दूर हुआ नहीं, समझिए। और क्या हुआ? और एक अभिमान जुट गया। क्या अभिमान जुट गया? बोले ज्ञानी होने का। बोले हम तो बहुत ज्ञानी हैं, है कुछ नहीं, लेकिन और एक अभिमान जुट गया कि हम ज्ञानी हो गए, अब हमको कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या क्या हुआ? साधन छूटा, दुख गया नहीं,
भ्रम गया नहीं, संशय गया नहीं, ऊपर से अभिमान आ गया और जीवन में ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं। अतः जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, जब तक जीवात्मा और परमात्मा की एकता नहीं होती है, तब तक उपासना छोड़नी नहीं है, निष्काम कर्म छोड़ना नहीं है, शिव ज्ञान है जीव सेवा छोड़नी नहीं है, भगवद भक्ति का त्याग करना नहीं है। यह छोड़ने वाली बात जो कही गई है वह ब्रह्म ज्ञान होने के तदनंतर कही गई है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद के अवस्था के लिए कही गई है। ब्रह्म ज्ञान अर्थात जीवात्मा एवं परमात्मा की ऐक्यता का ज्ञान के पहले कोई साधन हमें छोड़ना नहीं है। जब जीत हो जाए बस फिर अब शस्त्र फेंक दो, लेकिन जीत हुई नहीं और उसके पहले शस्त्र फेंक दिया तो क्या हुआ? बस तो फिर हमने हार मान ली और दुश्मन ने हमारे पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए कहते साधु सावधान, साधु सावधान। साधन करना चाहिए रे मनुवा, भजन करना चाहिए रे, प्रीत लगाना चाहिए रे मनुवा, प्रीत करना चाहिए। यहीं पर हमारा द्वादश अध्याय परिपूर्ण होता है। कल से हम त्रयोदश अध्याय में जाएंगे, प्रवेश करेंगे। त्रयोदश अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो साधन है। एकादश स्कंद का साधन बताया है उसमें, अद्भुत स्कंद अध्याय है और हंस गीता आती है। हम तो चाहते थे थोड़ी द्रुत गति से और संक्षिप्त में बता दें, लेकिन पुनः पुनः प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर पुनः पुनः भीतर से आवाज़ होती है ना हम गलत कर रहे हैं। जितना देखेंगे आनंद से विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों के आशीर्वाद है, महात्माओं के आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, आनंद से देखने का प्रयास करेंगे। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आप में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती बदे हर हर महादेव हर। घर पर
नहीं है कांचन
ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहु। नमस्यति राजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिनेतापहारिणे। आज 15 दिसंबर है। परम पूज्य स्वामी रंगनाथन जी महाराज का जन्मदिन है आज। वैसे तो रामकृष्ण मठ मिशन की परंपरा है कि श्री रामकृष्ण देव माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं श्री रामकृष्ण देव के अन्यान्य पार्षद डायरे डिसाइपल्स जिनको हम कहते हैं, जो उनके 16 शिष्यों में से स्वामी विवेकानंद और अन्यान्य उनके गुरु भाई, इनकी जन्मतिथि हम लोग मनाते हैं केवल। और ये जो भी हैं, जितने गुरु हैं, बाकी के जितने भी हैं, ये सभी रामकृष्ण देव के प्रतिनिधि के रूप में ही मंत्र दीक्षा प्रदान करते हैं। और तो इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन श्री रामकृष्ण देव की ही पूजा होती है और सब लोग यही मानते हैं कि हमारे गुरु की इस प्रकार से वंदना हो गई। फिर भी हमारे रामकृष्ण मठ मिशन में, रामकृष्ण संघ में एक बहुत ही जाज्वल्यमान सितारे के रूप में हमको दिखते हैं स्वामी रंगनाथन जी महाराज, जिन्होंने एक अलग ही प्रकार की छाप सारे विश्व में रख दी। वे एक ग्लोबल स्पीकर थे, ग्लोबल ओरेटर थे, वैश्विक लेवल पर उनकी मांग रहती थी, उनके पुस्तकों को भी इसी प्रकार से मांग रहती है अभी भी। इसलिए हमने सोचा कि उसके बारे में कुछ जानकारी लेना अच्छा रहेगा। इनका बचपन का नाम था शंकरन। 15 दिसंबर 1908 को त्रिकुर नाम के एक छोटे से गांव में उन्होंने जन्म लिया। यह जो गांव है वह त्रिशूर, जिसको कि आजकल त्रिशूर कहा जाता है, उसके पास का वह गांव है केरला में। नदी के किनारे इनका एक गांव था, मंडी पूजा नाम का गांव। और ये अद्भुत संयोग है कि माँ शारदा देवी के जन्मतिथि के दिन इनका जन्म हुआ। पिता का नाम था नीलकंठ शास्त्री और माँ थी लक्ष्मी कुट्टी अम्मा। बचपन से ही वे धर्मपरायण थे, माता पिता भी अत्यंत धर्मपरायण थे और माता के साथ वे शिव जी की पूजा करने जाते थे। तो अत्यंत संक्षेप में हम उनका जीवन चरित्र ले रहे हैं। तो बचपन में एक विशेष उनको स्वप्न का दर्शन हुआ था, जब ऐसा दर्शन हुआ कि वे एक पहाड़ के ऊपर शिव जी के मंदिर में गए हैं और एक बहुत बड़ा जाज्वल्यमान प्रकाश, इसका उनको दर्शन हुआ था। फिर 8वीं कक्षा में जब पढ़ते थे तब उनके पास द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्णा, जिसको जो कि अंग्रेजी में है, जिसका कि हम लोग बंगला में जिसको रामकृष्ण कथामृत बोलते हैं, हिंदी में रामकृष्ण वचनामृत बोलते हैं, यह पुस्तक उनके हाथ में आई और उससे बहुत प्रभावित हुए। और उसके बाद से श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ने लग गए। बचपन की एक विशेष घटना यह है कि एक बार बातचीत में उन्होंने कुछ अपने मुँह से अपशब्द बोल दिए, तो उनकी माँ ने कहा, बेटा देखो ये जीवा पर है ना सरस्वती का निवास रहता है, नेवर पॉल्यूट इट, उसको इस प्रकार से खराब मत करो, संभाल करके रखो, अपनी जीवा से कभी भी अपशब्द मत बोलना। यह जो बचपन में उनको यह शिक्षा मिली, इसका उन्होंने आजीवन पालन किया। अपनी माँ के पास से जो उनको उपदेश मिला था,
तो उनके मुंह से कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं मिलती थी, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज इनकरेजिंग, ऑलवेज इंस्पायरिंग सबको, चाहे कुछ भी किसी ने कुलती भी किया होगा, तो ही नेवर यूज्ड बैड वर्ड्स। यहाँ तक कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी एक बड़े साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी गलत बातें कह दी और कुछ नेगेटिव बातें कह दी, तब उसके बाद में ये प्रिसाइड कर रहे थे तो बाद में कहा कि आपने उसको उत्तर क्यों नहीं दिया, उन्होंने इतनी बातें कही भारतीय संस्कृति के बारे में और आपके बारे में इस प्रकार से। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, देखो ए डोंकी ऑलवेज वॉन्ट्स टू किक बट ए ह्यूमन बींग नेवर किक्स। अरे गधे का स्वभाव ही है वो किक मारेगा, वो पीछे से लात मारेगा, पर मनुष्य वो इस प्रकार से लात नहीं मारेगा। लेट हिम डू हिज वर्क, आई विल डू माई वर्क, आई विल नॉट गो, बहुत डिग्निफाइड लैंग्वेज हमेशा यूज करते थे। तो जो भी होगा, ये एक बचपन में उनको यह एक बहुत बड़ी सीख मिली थी, शिक्षा मिली थी अपनी माँ के पास से, कि जीवा है वो माँ उस महापर सरस्वती का निवास करता है, निवास होता है, उसको कभी भी खराब मत करना, सॉयल मत करना, डोंट बाई फाउल लैंग्वेज अपशब्द बोल करके उस जीवा को खराब मत करना। फिर उसके बाद में वे स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण शारदा देवी, इनके उपदेश से प्रभावित होकर के वे चाहते हैं कि मैं रामकृष्ण संघ में जुड़ जाऊंगा, और इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ वे वहाँ पर, मैं पहले तो लिखते हैं पत्र मद्रास में, वहाँ कहते हैं यहाँ पर तो हमारे पास जगह नहीं है, पर आप वहाँ पर संपर्क करो मैसूर, और मैसूर के स्वामी जी आए थे, ऐसा एक अद्भुत संयोग कि वो आए हुए थे त्रिशूर में, तो त्रिशूर में तो ये त्रिशूर के आश्रम में जाते ही थे, तो फिर मैसूर के स्वामी जी उनको ले गए। रास्ते में उटा कमंड आया, तो उटी में जिसको उटा कमंड को उटी बोलते हैं, वहाँ पर महापुरुष महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय अध्यक्ष वे उस समय थे, तो ये अद्भुत संयोग मिल गया कि उनको मंत्र दीक्षा भी उनकी हो गई। 30 जून 1926 को उनकी मंत्र दीक्षा हुई। विचित्र बात है, जब उनकी दीक्षा हुई तब उस समय उनको याद आया, लगभग 3-4 साल पहले उनको एक स्वप्न आया था। सपना में ऐसा था कि वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, और पूजा करते करते वे एक अलौकिक लोक में चले गए, और उस अलौकिक लोक में शिव जी ने अपना रूप बदल करके उनको कुछ आध्यात्मिक उपदेश दिए, मनुष्य रूप धारण किया शिव जी ने, और उनको कुछ आध्यात्मिक उपदेश दिए। आश्चर्य, उन्होंने देखा महापुरुष महाराज का, जब देखा बोले ये इन्होंने ही तो मुझे दर्शन दिए थे, तब उनको इस प्रकार से यह मानो यह बात की प्रतीति हुई कि यही थे जिन्होंने 3-4 साल पहले मुझे स्वप्न में आध्यात्मिक उपदेश दिए थे अत्यंत बचपन में। तो यह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना उनके जीवन में हुई। फिर बाद में 23 मई 1929 को बेलू मठ में महापुरुष महाराज के द्वारा उनको ब्रह्मचर्य दीक्षा मिली, वे हुए यति चैतन्य। फिर 23 जनवरी 1933 को स्वामी विवेकानंद की, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी जिस दिन ब्रह्मचर्य दीक्षा मिली, और स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि के अवसर पर 23 जनवरी 1933 को उनको महापुरुष महाराज से ही संन्यास दीक्षा हुई। मतलब महापुरुष महाराज के द्वारा ही उनको मंत्र दीक्षा, ब्रह्मचर्य दीक्षा, संन्यास दीक्षा दोनों ही मिले। उसके बाद में 1933 में वे गए मुर्शिदाबाद। वे उस समय, ये बहुत मुश्किल था उस समय, सारगाछी एक सप्ताह में एक ही बार ट्रेन जाती थी कलकत्ता से, पर गए वे तो रामकृष्ण मठ मिशन के वो बाद में जो बने तृतीय अध्यक्ष स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनके पास जाकर के उन्होंने विषय आशीर्वाद लिया, और उन्होंने जाते समय कहा, महाराज मेरी यह इच्छा है कि मैं युवा वर्ग के बीच में
स्वामी विवेकानंद के संदेश को लेकर जाऊं और स्वामी विवेकानंद के भावधारा को प्रचार प्रसार करूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं यह प्रचार का कार्य अच्छी तरह कर सकूं। स्वामी अखंडानंद जी ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया और यही कारण है कि हम देखते हैं कि उनके माध्यम से कितना अधिक रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का, रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का ये सब प्रचार प्रसार हुआ। ये स्वामी अखंडानंद जी के आशीर्वाद। फिर 1933 में उनको पोस्ट किया गया रंगून। रंगून में आश्रम था, वहाँ उन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया, बहुत सुंदर हॉस्पिटल है उसको भी डेवलप किया, कई सारे कार्य किए। परंतु 1942 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उस समय अचानक उनको रंगून छोड़ना पड़ा और उस समय बहुत कष्ट करके वो पैदल चल करके ढाका आए, ऑल द वे टू ढाका बाई वॉकिंग। उस समय उनको कहा गया था कि आपको हम एयर लिफ्ट करके पहुँचा दें इंडिया, पर उन्होंने कहा नहीं, जैसे सभी रिफ्यूजी जा रहे हैं उसी प्रकार से मैं उनके साथ जाऊंगा। बहुत कष्ट हुआ, पर उस बीच में भी वो बाकी जो रिफ्यूजी थे उनकी भी सेवा करते 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 ढाका पहुंचे। ढाका तो उस समय भारतवर्ष में था। 9 अगस्त 1942 को उनको फिर कराची सेंटर में उनका पोस्टिंग हुआ। वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बड़े बड़े दिग्गज लोग उनके प्रवचन, गीता पर के प्रवचन सुनने के लिए आया करते थे। फिर 9 अगस्त 1948 को अचानक उनको कराची छोड़ना पड़ा, फिर से जैसे रंगून छोड़ना पड़ा ऐसे कराची छोड़ना पड़ा। कराची के आश्रम पर अटैक हुआ क्योंकि ये 1947 में जो विभाजन हुआ तो कराची पाकिस्तान में चला गया, तो पाकिस्तानी लोगों ने फिर उसके बाद में आक्रमण शुरू कर दिया। तब वहाँ पर कुछ समय तक तो महाराज रहे, उसके बाद में यह असंभव था, तो सब कुछ वहाँ छोड़ छाड़ करके उनको ले आना पड़ा। फिर से वे बहुत कष्टपूर्वक कराची से वापस भारत लौटे। फिर 1949 में उनको दिल्ली सेंटर के अध्यक्ष के रूप में, दिल्ली के रामकृष्ण मिशन दिल्ली के सेक्रेटरी बने 1962 तक। उस समय तो और भी अधिक उनका नाम यश हुआ, उनके प्रवचनों, साप्ताहिक प्रवचनों को सुनने के लिए 2,000 लोग आया करते थे। वो ऑडिटोरियम था उसको बड़ा करना पड़ा, बड़ा ऑडिटोरियम भी फिर बाद में ये नहीं हुआ, पर्याप्त नहीं हुआ, तो नीचे लॉन में सब लोग बैठ करके सुनते थे। इस प्रकार से उनके बहुत ही प्रवचन जो हुए बहुत ही विख्यात प्रख्यात हुए और बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, एम्बेसडर्स, कभी कभी कोई मिनिस्टर्स, ये सब आते थे उनका प्रवचन सुनने के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद में वहाँ से फिर 1962 में उनको इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गोल पार्क कलकत्ता में उनका हेड के हिसाब से वहाँ के सेक्रेटरी बने, रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गोल पार्क। वहाँ पर तो वो एक तो कल्चरल एम्बेसडर थे ही, तो उन्होंने तो इतना अद्भुत कार्य किया है। उसके बाद में वहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गोल पार्क, वहाँ पर भी उनके प्रवचन को सुनने के लिए बहुत आया करते थे। वहाँ पर भी उन्होंने उस सेंटर का भी बहुत डेवलपमेंट किया। दिल्ली सेंटर में भी मंदिर की स्थापना उन्होंने कराई, बहुत सारे कार्य किए दिल्ली में। जहाँ जहाँ गए, चाहे रंगून हो, चाहे कराची हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गोल पार्क में हो, बहुत सारे बड़े कार्य किए। उसके बाद में 1973 से लेकर के 1993 तक वे हैदराबाद सेंटर के हेड रहे। पूरा वो तो एकदम शून्य से सर्जन हुआ है, हैदराबाद सेंटर का पूरा सर्जन उन्होंने किया। बहुत बड़ा आश्रम उन्होंने डोमलगुड़ा में बनाया है, अभी तो बहुत बड़ा आश्रम बन गया रामकृष्ण मठ का डोमलगुड़ा में। वो सब एकदम शुरू से लेकर अभी तक जो इतना डेवलप किया, विकास हुआ, ये सब स्वामी रंगनाथ जी महाराज के कारण 1973 से लेकर 1993 तक उन्होंने यह सब कार्य किया। इस बीच क्या हुआ कि उनको एक ट्रस्टी के रूप में उनको लिया गया। 1961 में ट्रस्टी के रूप में इलेक्ट किया गया और बाद में उनको 1 अप्रैल 1979 को उनको वाइस प्रेसिडेंट पूरे रामकृष्ण मठ मिशन का चयन किया गया। 10 अगस्त 1998 को उसके पहले वे 10 अगस्त 1998 को वे प्रेसिडेंट बन गए पूरे रामकृष्ण मठ मिशन के। तो
तो इस प्रकार से उसके बीच उन्होंने बाद में पुणे में जो बड़ा मंदिर हुआ, उसके पहले चेन्नई में जो बड़ा मंदिर हुआ उसका भी डेडिकेशन उनके हाथ हुआ, और भी कई कार्य किए, कई कार्यों को उन्होंने पूरे रामकृष्ण मठ मिशन का संचालन किया। पर सबसे बड़ी जो उनकी देन है वो है रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का प्रचार और रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का प्रचार। उनका जो है वो अनन्य उनका जो प्रदान है उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। 1986 से लेकर 1972 तक वो लेक्चर टूर करते थे एज ए कल्चरल एम्बेसडर, ऑफिशियल कल्चरल एम्बेसडर के हिसाब से कितने सारे वर्ल्ड टूर उन्होंने किए 1940 से लेकर के 1972 तक, जिसमें कि लगभग 50 देशों में उनके प्रवचन होते रहते थे। फिर उसके बाद में 1973 से लेकर के ये जो मैंने कहा था 1946-1972 वो तो ही वॉज अपॉइंटेड टू गो टू द वर्ल्ड टूर्स लेक्चर टूर्स फॉर वेरियस कंट्रीज। ही वॉज गोइंग एज ए कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। फिर बाद में 1973-1986 1973-1986 तक प्रत्येक वर्ष वे जाते थे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, हॉलैंड, जर्मनी, प्रत्येक वर्ष। ये उनके लोगों ने कह के रखा था आपको प्रत्येक वर्ष आना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ही वॉज ए वेरी वेरी पॉपुलर स्पीकर। आई थिंक आफ्टर स्वामी विवेकानंद द मोस्ट पॉपुलर स्पीकर ऑफ ऑल टाइम्स, हम यदि कहें स्वामी रंगनाथ जी महाराज को निर्विवाद, कोई उसके बारे में कोई विवाद नहीं करेगा। इतनी अधिक मांग थी, प्रत्येक वर्ष जाते थे आईएएस ऑफिसर्स, जो मसूरी में जो ट्रेनिंग सेंटर होता है आईएएस ऑफिसर्स का एकेडमी का, उसमें भी वो प्रवचन देते थे। बड़े बड़े कई कई ऐसे इंटरनेशनल सेमिनार में उनको बुलाते थे, यहाँ तक कि ये कई मिनिस्टर्स लोग उनको बुलाते थे। कभी कभी ऐसे फॉरम रहते थे जहाँ पर कि एम्बेसडर्स उनको बुलाते थे। ऐसे उनकी मांग देश विदेश में बहुत उनकी मांग थी, और सब जगह इतनी सिंपल लाइफ उनकी थी। एक छोटी सी कपड़े की बैग लेकर के बस निकल जाते थे, उनके पास ना कोई सामान था कुछ नहीं, और अत्यंत ये सादगीपूर्ण उनका जीवन। और इतना ही वे उनके जो कम से कम 50 से अधिक तो किताबें हैं, द मैसेज ऑफ द उपनिषद्स बहुत पॉपुलर हुआ, जहाँ पर जूलियन हक्सले के साथ उनका कॉरेस्पॉन्डेंस है। फिर इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी 4 वॉल्यूम में है, पहले भारतीय विद्या भवन के द्वारा वो प्रकाशित हुआ। मैसेज उपनिषद भी पहले भारतीय विद्या भवन से प्रकाशित हुआ था, बाद में अभी अद्वैत आश्रम के द्वारा प्रकाशित हुआ। ऐसी कई किताबें, भगवद गीता पर उनकी जो कॉमेंट्री है अद्भुत, 3 वॉल्यूम में है। तो मॉडर्न मैन के लिए, आधुनिक मानव के लिए बहुत सुंदर उन्होंने समझाया है, और उसमें विश्व के सभी विद्वानों की बातें उसमें आ जाती है। फ्रॉम ए मॉडर्न पर्सपेक्टिव ही हैज एक्सप्लेन्ड द मैसेज ऑफ भगवद गीता, ये उसकी खूबी है। तो ऐसे कई पुस्तकें उनके हैं, 50 से अधिक पुस्तकें हैं, 600 से अधिक उनकी ऑडियो टेप्स हैं, 50 से अधिक उनको वीडियो टेप्स हैं, ये सब अवेलेबल है उनके लेक्चर। अभी तो बहुत सारे YouTube में भी डाल दिए गए हैं। तो ये पूज्य रंगनाथन जी महाराज का जो प्रदान है रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के लिए और रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य के लिए, वो अनन्य प्रदान है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। और इस तरफ तो ये उनका इस प्रकार का जीवन, जहाँ पर कि बड़े बड़े धुरंधर लोग भी उनके पास मिलने के लिए आया करते थे, उनके पास सलाह लेने के लिए आया करते थे, टेलीफोन से सलाह लेते थे, कभी मिलने के लिए आते थे, चाहे डॉक्टर राधाकृष्णन हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, इंदिरा गांधी हो, ये सब के साथ उनकी टेलीफोन पर भी बातचीत हो जाती थी, और उनको उन्होंने बुलाया भी था। ऐसे कई बड़े बड़े लोग, उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं था, एक छोटा भिखारी भी होगा तो उसके साथ भी उतना ही प्रेम से बात करेंगे, चाहे कोई बड़ा से बड़ा होगा तो भी उनके लिए समदर्शित्व था उनके मन में। ही वॉज ए ट्रू वेदांती, एक वेदांती के किस प्रकार से सबको प्यार करना, फिर भी किसी से आसक्ति अनासक्ति पूर्वक सबके साथ रहना, फिर भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, विशेष करके जो डाउन ट्रोडन लोग थे उनके प्रति उनकी इतनी सहानुभूति थी, इतना उनके बारे में सोचते थे, उनका हृदय उनके लिए हमेशा रोता था।
एक तरफ तो ये है उनका पक्ष, एक तरफ उनका हृदय जो है स्वामी विवेकानंद के समान गरीबों के लिए। इसीलिए जब उनको नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड मिला, पहले तो पद्मश्री वगैरह कई अवार्ड देने की बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, सन्यासी के हिसाब से मैं अवार्ड नहीं ले सकता, सन्यासी का अवार्ड केवल भगवान ही दे सकता है, इवन अदरवाइज। और वैसे भी रामकृष्ण मठ मिशन की परंपरा है कि सन्यासी कोई अवार्ड नहीं ले सकते, परंतु फिर भी बहुत आग्रह के कारण, विशेष किसी कारण से, और बहुत प्रकार के आग्रह भी हुआ और विशेष प्रकार के एक परिस्थितियाँ थी कि वो नेशनल इंटीग्रेशन उस समय बहुत आवश्यक था। तो इसलिए नेशनल इंटीग्रेशन जो उसका कॉज है उसको सपोर्ट करने के लिए रामकृष्ण मिशन को कहा गया कि आप इनको विशेष एक अनुमति प्रदान करें। तो रामकृष्ण मिशन के द्वारा अनुमति प्रदान की गई, तो स्वामी रंगनाथन जी महाराज ने वो अवार्ड, इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन फर्स्ट अवार्ड, वो पहले वर्ष का उनको दिया गया था। वो उसमें 1 करोड़ रुपया मिला। उसी समय अवार्ड के बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रवचन दिया था अवार्ड स्वीकारते समय, आई एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दिस पीपल। और फिर उन्होंने कि ऑल दोज वर स्ट्रगलिंग फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन, और फिर उन्होंने वो पूरा 1 करोड़ की राशि उसी समय उन्होंने भेज दी रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, जो बहुत सुंदर काम होता है जो आत्मानंद जी महाराज ने शुरू किया था, उस कार्य के लिए उन्होंने उसको तुरंत 1 करोड़ रुपये भेज दिया। तो यह उनका हृदय था गरीबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, हमेशा उनकी यह रहती थी। और 60,000 से उनके अधिक शिष्य शिष्याएँ थी, मंत्र दीक्षा उन्होंने प्रदान की थी, और बहुत प्रकार से उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया है, कई लोगों का जीवन उन्होंने परिवर्तन किया है। और अपनी का बात कभी बताते नहीं थे, भीतर की बात, परंतु आखिरी आखिरी में पकड़ में आ गए थे। तब उस समय उन्होंने बताया था लाख में, 2 जून 1968 को उनको मायावती में अद्वैत आश्रम में जब थे, 2 जून 1968 को माँ शारदा देवी का दर्शन हुआ सुबह सुबह, टाइम 4:30 AM उन्होंने लिखा अपनी डायरी में, टाइम 4:30 AM, टुडे आई हैड ए विविड ड्रीम ऑफ होली मदर। और वहाँ पर शारदा देवी, वो गए थे सभी लोगों के साथ, कोई एक बड़ा उत्सव था, तो वहाँ पर पुष्प वगैरह रखे थे, रामकृष्ण देव शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के फोटो को सब लोग पुष्पांजलि दे रहे थे। तो उन्होंने भी एक ऐसे माँ को, शारदा देवी को पुष्पांजलि दे रहे थे, अचानक देखते हैं माँ शारदा देवी एक फोटोग्राफ में से बाहर आ गई, बाहर आकर के उसको उनको बहुत प्रेम दिया, वो इतने अभिभूत हो गए। फिर उन्होंने कहा कि तुमको क्या चाहिए, बोले मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे बस प्रतिदिन एक बार आपका दर्शन चाहिए, यही उन्होंने मांगा। और ये हम इसका कनेक्शन इसलिए कर सकते हैं कि हम बाहर से तो हमको लगता है ये तो स्वामी जी की डिश है, स्वामी जी के भाव से 100% रंगे हुए, इतने ज़्यादा रंगे हुए, पर माँ के प्रति उनकी जो शारदा देवी के प्रति भक्ति थी वो तो बाद में अभी पता पड़ी, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने सबसे पहला जो स्तोत्र जो कंठस्थ किया था वो था प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम, जो कि स्वामी अभेदानंद जी द्वारा लिखा हुआ। तो ये स्तोत्र के जब सुनते थे तो भावेश में आ जाते थे, अभिभूत हो जाते थे। और एक बार पुणे मठ में जब मंदिर उद्घाटन हुआ तो मुझे जाने का अवसर मिला था, चेन्नई में भी गया था, पर चेन्नई में मैं थोड़ा दूर पे था, पर पुणे मठ में जब था तो गर्भ मंदिर में बहुत उनके नज़दीक था, तो मैंने खुद ने देखा पहली बार रंगनाथ आनंद। मैं पूरे जीवन में सैकड़ों बार उनको मिला हूँ, कभी उनके आंखों में मैंने आंसू नहीं देखे। उस समय पहली बार मैंने देखा कि भीतर से वो कितने नरम है, बाहर से तो वेदांतिक भाव है, पर भीतर से कितने नरम है उस समय पता पड़ा। जब श्री रामकृष्ण देव की प्रतिष्ठा कर रहे थे तब वे एकदम भावावेश में आ गए थे, और पहली बार उनको मैंने इस प्रकार से भाव में देखा और भावावेश में उनको अश्रु विसर्जन करते देखा। तो ये स्वामी रंगनाथन जी महाराज बाहर से कठोर तो नहीं कह सकते, परंतु वेदांतिक प्रकार से ऐसे लगता था कि जैसे मानो कोई भावावेश में कभी नहीं आते थे, परंतु इस प्रकार से नरम नहीं दिखते थे, या कोई ऐसा नहीं लगता था कि बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा लगता था मानो ज्ञानी है, सब जगह ज्ञान का वितरण कर रहे हैं, परंतु भीतर से वे इतने नरम थे, ये बाद में धीरे धीरे पता पड़ा। तो इनके तो इतने सारे बहुत बड़ा विस्तृत जीवन है, हमने अत्यंत संक्षेप में लिया है, पर उनकी किताबें बहुत बड़ी है। और उनके महासमाधि के बाद
रामकृष्ण मिशन के द्वारा तो एक छोटी सी किताब भर निकलती है, इतनी छोटी सी। ये परंपरा है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट महाराज, और किसी की नहीं निकलती, प्रेसिडेंट महाराज और वाइस प्रेसिडेंट महाराज, जब उनकी महासमाधि होती है तो 13वें दिन पर ये छोटी सी किताब निकलती है। उसमें कुछ बातें जो मैंने बताई वो दी हैं, परंतु और किताबें रामकृष्ण मठ मिशन द्वारा नहीं निकल सकती। उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हो सकती हैं, वो छप सकती हैं, उनके बारे में संस्मरण कोई कहते हैं या उन्होंने जो पत्र लिखे हैं ये सब नहीं निकल सकते। तो वो बाहर के जो भक्तों ने मिलकर के एक किताब निकाली है, माई लाइफ इज माई वर्क, बहुत सुंदर, उसमें फोटोग्राफ है, बहुत सारे फोटोग्राफ, स्वामी रंगनाथ जी महाराज के बहुत सारे फोटोग्राफ हैं। और एक और किताब है द मॉन्क विदाउट फ्रंटियर्स, उसमें रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों का सब संस्मरण है, उसमें मैंने भी अपने संस्मरण दिए हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो अत्यंत संक्षिप्त में मेरे संस्मरण जो मैं कहूँ तो '67 में सबसे पहली बार उनके साथ मुलाकात हुई रायपुर में, तब मैं उन्होंने वेदांत की पर बहुत सुंदर प्रवचन दिया था इंग्लिश में, और प्रवचन के बाद मैं मिला था, फिर उन्होंने पूछा क्या क्या किताब पढ़ी। सौभाग्य से उस समय तक मैंने स्वामी विवेकानंद के कई किताबें पढ़ ली थी, तो बहुत ही प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद किताबों को पढ़ते रहना, ये उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर के आशीर्वाद भी दिया और प्रेरणा भी दी कि और भी किताबें पढ़ते रहो। उसके बाद में दूसरी मुलाकात हुई, जब दूसरी बार जब आए रायपुर, तब तक में मैं यहाँ विवेकानंद आश्रम रायपुर का वॉलंटियर बन गया था, स्वयं सेवक, संन्यासी अभी तक मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो उस समय की बात है। तब आई वॉज अ वॉलंटियर, तो मुझे महाराज की सेवा में रखा गया था, सेवा करने का मुझे कार्य सौंपा गया था। तब उनका मैंने दूसरा पक्ष देखा है, नॉट ओनली एज ए स्पीकर, नॉट ओनली एज ए ग्रेट ऑरेटर, ऐसा सब, पर ही वॉज ए परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट कैसे, अगर उनका सिंपल लाइफ था, और उस समय तक में उन्होंने इतने सारे प्रवचन दिए थे, दिन में इतने सारे 8-8, 10-10 प्रवचन देना पड़ता था, सारी दुनिया में घूमना पड़ता था, खाने का कोई ठिकाना नहीं, सोने का कोई ठिकाना नहीं, कभी केयर ही नहीं करते थे अपने बार, तो उनका पेट इतना अधिक नाजुक हो गया था कि कुछ भी पचता नहीं था, तो उस प्रकार से उनके लिए स्पेशल डाइट उनको करना पड़ता था, एकदम सिंपल डाइट। तो मेरे उस प्रकार से करने में, ये बॉर्नविटा बनाने में थोड़ी सी मेरी गलती हो गई थी, मैंने चीनी कम डाली थी, अभी तक जहाँ मुझे याद है, तो उन्होंने मुझे डांटा था, यू शुड बी परफेक्ट इन एवरी वर्क, योग कर्मसु कौशलम, ईच एंड एवरी वर्क हैज़ टू बी कैरीड आउट परफेक्टली, ये उन्होंने उस समय मैसेज दिया था। ही वॉज ए परफेक्शनिस्ट टू द कोर, ये तो मैंने देखा, प्रत्येक कार्य जो भी करेंगे तो 100% अटेंशन से, 100% कॉन्सेंट्रेशन से और डेडिकेशन से, यह जो उनकी एक भावना थी वो उस समय, इनका ये दूसरा पक्ष उस समय मुझे मिला। उसके बाद में जब ज्वाइन किया, उसके बाद पहली बार जब बेलूमठ मिला तो बहुत प्रसन्न हुए कि वाह बहुत अच्छा है कि भी रामकृष्ण मिशन ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद में तो कई बार मिलना हुआ, सैकड़ों बार मिलना हुआ, उनके आशीर्वाद मिलते ही रहे, परंतु अभी उसकी सब की बातें नहीं बोलूँगा। अभी एक बात बताऊँगा कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं, मेरा पोस्टिंग रांची में हुआ था, तो रांची से मैं पटना जाता था, समय तो बहुत हो गया, क्या करेंगे, तो ये आखिरी घटना बता दे। तो वहाँ पर जब वहाँ पर गया रांची में, तो वहाँ पर रांची से पटना जाता था, पटना में मुलाकात हुई डॉक्टर केदारनाथ लाभ से। ये डॉक्टर केदारनाथ लाभ, इनको स्वामी विवेकानंद जी दर्शन देकर के कहा कि तुम एक पत्रिका हिंदी में प्रकाशित करो, तो उन्होंने उसमें कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हिंदी में प्रकाशित पत्रिका प्रकाशित करना वो भी बिहार से असंभव है। परंतु ऐसा तीन बार उनको दर्शन हुए, तो और ऐसे बेचैनी उनके सिर पर आ गए, मानो कोई स्वामी जी उन पर सिर पर ही सवार हो गया। तब जा करके उन्होंने पहला एडिटर लिखना शुरू किया, अभी पता नहीं कब शुरू करेंगे, पर जहाँ एडिटर लिखना शुरू किया मन में शांति हुई, तो समझ गए स्वामी जी यही चाहते हैं। फिर कैसे भी करके उन्होंने पैसा कुछ उधार लेकर के पहला इशू छपवाया और पटना में आए,
और पटना में स्वामी वेदांतानंद जी थे, बहुत उनको डांटा। अरे हम लोग अभी तक उस समय विवेक ज्योति पत्रिका थी, वो भी त्रैमासिक पत्रिका थी, वो भी मासिक नहीं थी, और इन्होंने मंथली शुरू कर दिया। अरे बोले हम लोग अभी तक मंथली पत्रिका शुरू नहीं कर पा रहे हैं। वो समन्वय नाम की पत्रिका 1928 में शुरू हुई थी, 10 साल हम लोग चला पाए, फिर उसको बंद करना पड़ा। विवेक ज्योति त्रैमासिक पत्रिका, तुम्हारी ऐसी हिम्मत, तुमने मासिक पत्रिका शुरू कर दी, बहुत डांटा। उन्होंने क्या क्या कहूँ क्या करूँ, मुझे तो इच्छा नहीं थी, पर इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने मुझे ये प्रेरणा दी और करना पड़ा। फिर स्वामी वेदांतानंद जी थोड़ा सा उनको बोले, मेंबर तो मैं नहीं बना पाऊँगा, थोड़ा सा पत्रिका रख के जाओ, वो थोड़ा सा वितरण करे, वैसा वितरण करेंगे, थोड़ा सा रिटेल में सेल करेंगे, ऐसा करके चल रहा था। तो मैं जब गया तो अचानक डाइनिंग टेबल पर उनके साथ मुलाकात हो गई। मैं गया था वहाँ पटना में ज़मीन के लिए, जिसकी बात मैंने कभी बताई थी, बहुत बहुत बार जाना पड़ा था। तो उस समय ये उन्होंने बताया, इस प्रकार से मैं पत्रिका हुई है, स्वामी जी ने मुझे प्रेरणा दी है सब, तो आप मुझे सहायता दीजिए। बोले ठीक है, मैं हमारे महाराज को बोलूँगा राज्य में। तो हमारे जो विवेकानंद सेवा संघ जितने थे उस समय, 36 अभी 74 हो गए हैं विवेकानंद सेवा संघ गाँव में, तो मैंने महाराज को बोल करके प्रत्येक विवेका सेवा संघ के नाम से एक पत्रिका, आश्रम ने पैसा दे दिया सब्सक्रिप्शन का, तो उन लोगों को डायरेक्ट पत्रिका जाएगी। और ऐसे कुछ कुछ डिवोटीज लोगों को मैंने बोलना शुरू किया। तो जब बेलूमठ में गया था तो रंगनाथ महाराज के पास गया, तो हम जब भी जाते रंगनाथ महाराज रहने से जाएंगे, वहाँ बहुत सारी बातचीत होगी। और उनकी ये बात थी कि वो दिन में बहुत सारे लेक्चर देते थे, तो खड़े खड़े देना पड़ता था, तो या बैठ करके खड़े, अधिकांश समय खड़े, तो इसलिए क्या करते थे, वो इतने प्रोडक्टिव थे कि वो जब रूम अपने कमरे में रहते थे तो बैठते नहीं थे, सोते थे, और सोते सोते ही सब काम करते थे। टू गिव रिलीफ टू द नीज एंड टू द लेग्स, इतना प्रोडक्टिव उनका ये सब था। तो ऐसे सोए हुए थे, मैंने बताया कि इस प्रकार से महाराज की ये विवेकशिका नाम की पत्रिका शुरू की है डॉक्टर केदारनाथ लाभ ने स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर के, तो अभी उसका मेंबर नहीं बन रहे, तो आप तो कितने बजे जाते हैं, कितनी जगह जाते हैं, तो थोड़ा सा उसका आप लोग उसको पुश करा दीजिए, तो सब्सक्रिप्शन कुछ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। स्वामी विवेकानंद का भाव हिंदी बेल्ट में है ही नहीं, बहुत कम है, विवेक ज्योति के द्वारा जो उतना हो रहा है उतना हो रहा है, बाकी तो पूरा का पूरा भारतवर्ष अभी अनटच्ड है, और बिहार तो बिल्कुल ही अनटच्ड है। तो मैंने कहा कि इस प्रकार डॉक्टर केदारनाथ लाभ ने विवेक शिखा शुरू की है, तो यदि आप करेंगे तो अच्छा होगा। तो मेरे विवेक डॉक्टर केदारनाथ लाभ, यस महाराज, ही इज़ ए प्रोफेसर इन छपरा। छपरा, जैसे ही छपरा शब्द बोला महाराज उठ गए, सोए हुए थे उठ गए, व्हाट छपरा, छपरा लाटू महाराज बर्थ प्लेस, यू टेल हिम इमीजिएटली कॉन्टेक्ट मी, वी विल स्टार्ट एन आश्रम इन लाटू महाराज प्लेस। अरे मैं गया था विवेकशिका पत्रिका के लिए, और उन्होंने फिर डॉक्टर लाभ को बोला भाई रंगनाथ महाराज से कॉन्टेक्ट करो, रंगनाथ महाराज ने उनको पकड़ लिया बस, और फिर तो चला 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 उनको बोले नहीं रामकृष्ण आश्रम। उनकी डायरेक्ट डिसाइपल के प्रति कितनी भक्ति थी, लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद जी बिहार के थे और छपरा के थे, हालांकि छपरा जिले के थे, छपरा प्रॉपर के तो नहीं थे, वो गांव कौन सा था उसके ऊपर भी अभी छानबीन चल रही है, रिसर्च चल रही है, पर छपरा तो छपरा के थे, इतना तो सबको पता है छपरा जिले, बस उन्होंने छपरा में रामकृष्ण आश्रम होना चाहिए, डॉक्टर लाभ को पकड़ा। फिर और भी कहीं कहीं से उन्होंने धन भी राशि इकट्ठी की, उसके लिए धनराशि भी पलवाई, और 2 साल में तो बहुत बड़ी आश्रम है, उसकी जमीन के लिए भी, जमीन के लिए भी मुझे बोला तुमको जाना पड़ेगा। फिर दूसरे लोग, उन्होंने भी दूसरे लोगों को भी बोला, तो ज़मीन भी उस समय फॉर्चुनेटली वो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे तो रिटायर्ड हो गए थे, तो उनको बोल करके फिर बहुत बढ़िया ज़मीन कलेक्टर के बंगले के सामने सिविल लाइन्स में बहुत बड़ी ज़मीन मिली, और उस पर भी इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन का पैसा भी पूर्व महाराज जी लाए, ऐसा करके 5 साल में तो बढ़िया आश्रम वहाँ पर बन गया छपरा में, रामकृष्ण अद्भुतानंद आश्रम उसका नाम है। अभी तो वो एफिलिएट हो गया, पहले प्राइवेट सेंटर था। तो ये प्राइवेट आश्रम शुरू करने के लिए डॉक्टर केदारनाथ लाभ को शुरू करवाने के लिए रंगनाथ सिंह महाराज ने कितना प्रयत्न किया है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि जब भी मैं मिलूँगा ए व्हाट हैपेंड टू छपरा, अभी मेरे को तो पहले जब भी मिलता था तो मेरी ये किताब का ट्रांसलेशन हुआ कि नहीं गुजराती में, अब रामकृष्ण ज्योत का एडिटर था
तो रामकृष्ण ज्योति ऐसे उसको छापा नहीं, तुम्हारे ये आर्टिकल देखो इसमें जल्दी से छापो उसको रामकृष्ण ज्योति में। अच्छा वो प्रकाशन विभाग को बोलो मेरी किताब छपे, उसी के बारे में बात होती थी। अभी एक नया एजेंडा आ गया, छपरासम का क्या हुआ। तो जो भी होगा, कहने का मतलब पूज्य महाराज के यह डायरेक्ट डिसाइपल के प्रति इतनी अधिक ये भावना थी कि इन्होंने तुरंत उसको पकड़ लिया। और बहुत सारी घटनाओं में से एक मैं आज बता देता हूँ, केवल एक ही बात बताता हूँ कि जब वो जब राजकोट आए थे तो उन्होंने एक किताब है ईटन वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी, उसमें उन्होंने ऑटोग्राफ दिया 14/10/1979 को, 14/10/1989 को। तो 14/10/1989 को जब उन्होंने ये ऑटोग्राफ दिया तो उस समय बहुत अच्छे मूड में थे। अपने से ही उन्होंने कितनी सारे बातें कही, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और अपने से बिना पूछे ही उन्होंने सीक्रेट बताया कि ये जो मुझे आज तक मेरे इतने हजारों लेक्चर मैंने दिए, एक भी लेक्चर ऐसा नहीं है कि जो लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया हो। इसका कारण जानते हो, खुद ही बोलते हैं कि मैं जब भी प्रवचन सुनने प्रारंभ करने के पहले मैं श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप मुझे शक्ति दो, मैं आपका यंत्र होकर के ये आपकी बातें बताऊँगा। बोले ये मैं हमेशा करता हूँ। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था शिकागो धर्म सभा में, जो मुझे सफलता मिली जानते हो राज क्या है, उन्होंने पत्र में लिखा था अल्लाह संगे पेरुमल को, मुकम करो थी वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। तो ये रहस्य है। पूज्य स्वामी रंगनाथ महाराज इस प्रकार के विश्व प्रसिद्ध हुए, उसके पीछे का रहस्य क्या है। रहस्य ये है कि वो अपने आप को एक यंत्र मानते थे श्री रामकृष्ण देव का, और यंत्र से मान करके अपने अहंकार को उन्होंने दूर कर दिया था और हमेशा अपने आप को एक नम्र, एक हम्बल इंस्ट्रूमेंट मान करके उन्होंने काम किया। इसलिए मानो जीवा, उनकी जीवा पर सरस्वती बैठी, और इस प्रकार से उनकी जीवा पर सरस्वती बैठी तो आज सारे देश विदेश में भी लोग उसको याद करते हैं और उनके प्रवचन को याद करते हैं। और तो ये है रहस्य। एक तो उनकी माँ ने कहा था कि अपनी जीवा को कभी 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 पॉल्यूट मत करना, कभी खराब मत करना, उस पर सरस्वती बैठती है। तो उन्होंने अपनी जीवा से कभी भी अपशब्द कभी नहीं कहे बाद में, ये एक उसका। अखानंद जी महाराज ने दोनों हाथों से उन पर आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा द्वारा प्रचार प्रसार का बड़ा काम होगा। और एक उन्होंने ईश्वर समर्पित बुद्धि से वो काम किया। तो आज हम देखते हैं सारे विश्व में आज भी रंगनाथ महाराज को लोग याद करते हैं। तो बाकी की बातें कल करेंगे, आज यहाँ समाप्त करें। पूज्य रंगनाथ महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ समाप्त करते हैं। ओम शांति 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 ही, हरि ही ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।